चौलाई की भाजी को देखकर आप सभी को यही लगता है कि इसका तो साग ही बनेगा और कई लोग तो इस साग को खाते ही नहीं। तो आज की जो रेसिपी बनने वाली है वो बहुत ही डिफरेंट बनेगी और आप सभी बड़े प्यार से खाएंगे। तो चलिए फटाफट से चाय रख लीजिए और फिर हम इसकी रेसिपी भी बना लेते हैं, क्योंकि चाय के साथ ही इसे खाने वाले हैं। चौलाई की सब्जी, जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, इसे हम बारीक कट कर लेते हैं। ये दो कलर से आती है, जैसे रेड कलर की चौलाई और हरे कलर की चौलाई। बहुत टेस्टी बनती है और क्यों इसे जरूरी खाना चाहिए इसके लिए मैं आगे आपको बताऊंगी। आज मैं इसकी तीन रेसिपी बताने जा रही हूँ। तीन रेसिपी क्यों बता रही हूँ, क्योंकि किसी भी वजह से आप बच्चों को खिलाइए, ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। पहली रेसिपी वो बना रही हूँ कि मौसम को देखकर कभी गर्मी हो जाती है तो कभी बारिश, तो बस चाय के साथ इसका एंजॉय कीजिए। दूसरी रेसिपी वो बना रही हूँ जिसको आप ऑफिस के लिए बना सकते हैं, रोटी या पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं लंच या डिनर में। तीसरी रेसिपी वो बना रही हूँ बच्चों को सुबह आप टिफिन में दे सकते हैं या सुबह आप नाश्ते में बना सकते हैं पूरी फैमिली के लिए। अब ये बताती हूँ इस चौलाई की भाजी में क्या क्या होता है, क्यों हमें जरूर खाना चाहिए। चौलाई की भाजी कोई भी कलर की आप बना रहे हैं, इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। आयरन होता है, अगर एनेमिक है कोई तो उसके लिए आयरन इसमें भरपूर होता है। इसमें कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, विटामिन ए, ई, सी और फॉलिक एसिड होता है, जिसे नियमित खाने की वजह से हमारी स्किन प्रॉब्लम को ये खत्म करता है। प्रोटीन और विटामिन सी की वजह से हमारी इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। और ये एक आपको एक नई चीज बताती हूँ कि ये चौलाई का जो पेड़ है उसमें जो दाना होता है वो कौन सा दाना होता है। जो राजगिरा का दाना होता है, जो रामदाना भी जिसको हम कहते हैं, जिसके हम लड्डू बनाते हैं और हम फलाहारी खाने में खाते हैं, ये वही पेड़ है। तो इसके पौधे की ना जितनी मैंने तारीफ की है बहुत कम है। तो चलिए अब ज्यादा आपका टाइम ना लेते हुए आपको मैं ये रेसिपी बता रही हूँ मैं बना कैसे रही हूँ। एक बड़ा बंच चौलाई का था जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके कट कर लिया है। थोड़ी सी चौलाई बचा कर मैं एक बड़े बोल में इसको डाल रही हूँ। इसमें मैंने दो प्याज डाल दिए लंबाई में कट करके। आप चाहें तो प्याज को पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं। अगर आपको इसमें चाहें तो कच्चे आलू को ग्रेट करके डाल सकते हैं, अगर जो लोग प्याज नहीं खाते। अब इसमें नमक डालकर, जिससे क्या होगा, प्याज और चौलाई थोड़ा नमक की वजह से पानी छोड़ेगी, तो जिसकी वजह से ये रेसिपी बहुत ही परफेक्ट और क्रिस्पी बनेगी। उसे हाथों से मल कर इस तरीके से ढक कर अलग रख दें। 10 मिनट बाद हम इसमें और क्या इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं वो देखिए। एक कप भर के मैंने डाल दिया इसमें बेसन, खूब सारी हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, थोड़ी सी मैंने डाल दी है इसमें ग्रेट की हुई कैरी। कैरी से थोड़ा खट्टापन आता है तो बहुत ही अच्छी बनती है ये। बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें और आधा चम्मच मैंने अजवाइन को हाथ से क्रश करके डाल दिया है। अब इसे मैं मिक्स कर रही हूँ। मुझे बेसन थोड़ा सा कम लग रहा है तो 2 चम्मच बेसन और डाल दिए मैंने। अब इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंथिए, क्योंकि इसने जो पानी छोड़ रखा है उसकी वजह से तो ये बेसन जो है ना जितना मिक्स हो पाया, अभी बाकी जो है थोड़ा सा पानी हमें डालना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कटी हुई सूखी साबुत लाल मिर्च डाल दी है। बस इस टाइप का मिश्रण होना चाहिए। इसमें मैंने 1 पिंच डाल दिया है मीठा सोडा। अगर आप मीठा सोडा को स्किप करना चाहते हैं तो इसमें 1 टेबल स्पून भर के ऑयल गर्म करके वो डाल सकते हैं, जिससे अंदर से ये सॉफ्ट बने, बाहर से क्रिस्पी बने। अब आप समझ ही गए होंगे मैं इसके बना रही हूँ पकौड़े। गर्मा गर्म पकौड़े बना रही थी इसलिए मैंने सोचा आप चाय रख दीजिए, क्योंकि चाय के साथ ये पकौड़े आपको बेहद पसंद आएंगे। आप ब्रेड के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। इस बहाने बच्चे खूब सारी चौलाई की भाजी खा लेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, कभी मना नहीं करेंगे। इसका फ्लेवर पालक से भी ज़्यादा अच्छा होता है, बिल्कुल कड़वापन नहीं होता, मेथी जैसा स्ट्रांग फ्लेवर नहीं होता, बिल्कुल माइल्ड फ्लेवर होता है। तो आपको ये चौलाई की भाजी बहुत पसंद आएगी। इस तरीके से बढ़िया क्रिस्पी भजिया बनाइए और एंजॉय कीजिए चाय के साथ। देख रहे हैं आप कितने कुरकुरे, बिल्कुल हलवाई स्टाइल भजिया बनकर तैयार हुए हैं। मैंने चाय भी रखी है, चटनी भी रखी है, इसका एंजॉय करना तो बनता है। चलिए अब बनाते हैं इसी मिश्रण से एक दूसरी रेसिपी। ये भजिए वाला थोड़ा सा मिश्रण बचा है जिसमें मैं थोड़ा सा बेसन और ऐड कर रही हूँ, जिससे उसका मिश्रण थोड़ा सा सूखा सा बन जाए। मतलब अब मैं इसके गोल गोल भजिए बना रही हूँ। गोल गोल इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं आपको इससे सब्जी बनाकर दिखाऊंगी।
कोफ्ते की सब्जी इसकी बहुत पसंद आएगी। मतलब जब कभी आपको भजिया नहीं बनाना हो तब इसका मिश्रण जो है थोड़ा सा थिक रखिए, जिससे इसका साइज जो है ना गोल गोल बने। आपको प्याज नहीं खाना है पूरी तरीके से स्किप कर सकते हो, प्याज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गोल गोल कोफ्ते आप तल लीजिए। अब हम बनाएंगे इसकी सब्जी। यहाँ मैंने एक चम्मच ऑयल लिया है कढ़ाई में, जिसमें आधा चम्मच डाल दिया जीरा। यहाँ मैंने दो टमाटर लिए हैं ग्राइंड करके, जिसमें मैं मसाले डाल रही हूँ। 1/4 teaspoon डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, 1/2 teaspoon से कम डाल रही हूँ लाल मिर्चों का पाउडर, 1/2 teaspoon से भी कम डाले हैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक। अब ये सारा टमाटर वाला मसाला आप कढ़ाई में पका लीजिए, जब तक कि ये ऑयल ना छोड़े। आप चाहें तो इस सब्जी में प्याज भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं टमाटर वाले कोफ्ते ही बना रही हूँ, सिंपल से जो हम घर में बनाते हैं। इस टमाटर का कच्चापन पूरा खत्म होना चाहिए, नहीं तो आपको अच्छा इसका टेस्ट नहीं आएगा। मीडियम फ्लेम पर इसे पकने दीजिए और ढक दीजिए। जब पूरा अच्छे से पानी सूख गया टमाटर का, टमाटर अच्छे से पक गया, तब आप इसमें डाल दीजिए 1 कप पानी। आप मटर की सीजन में मटर कोफ्ता भी बना सकते हैं। अभी तो मैंने क्या किया, इस पानी को डालने के बाद इसे पकने दिया है, थोड़ा हरे धनिए की गार्निश कर दी है। जब ये अच्छे से पानी पक रहा है तो मैंने कोफ्ते डाल दिए और इसे ढक कर रख दिया, जब तक कि कोफ्ते सॉफ्ट ना हो जाएं। जब कोफ्ते अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं तो गैस से हटा दें और इस सब्जी को सर्व कर लें। ये सिंपल सी सब्जी बहुत ही टेस्टी लगेगी, जो नहीं खाता है चौलाई उसे भी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि अक्सर हम चौलाई को मेथी आलू की तरह बनाते हैं या पालक आलू की तरह, लेकिन इस तरीके से आप बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। जब कभी आपकी चौलाई की भाजी बनी हुई बच जाती है, उसमें भी बेसन ऐड करके इस तरीके से कोफ्ते की सब्जी बनाया कीजिए। मेरी मम्मी अक्सर इस तरीके से बनाती थी, जो भी हरी सब्जी बच जाए उसमें बेसन डालकर कोफ्ते की सब्जी बना लेती थी। आज मुझे याद आया तो वही रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। अब मैं आपको इसी चौलाई की एक तीसरी रेसिपी बता रही हूँ, उसमें भी आप मनपसंद मसाले डालिए जैसा आपको पसंद हो। आधा कप ले रही हूँ मैं बेसन, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज ले रही हूँ, हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, 1 मुट्ठी भर के कम से कम चौलाई मैंने डाल दिए बारीक पत्ते जो मैंने काट के रखे थे, और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, बहुत थोड़ा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, और मैंने डाल दिया इसमें नमक। नमक डालने के बाद मैंने इसमें 1 चम्मच डाल दिया ऑयल। अब इसे पानी से हम थोड़ा गूंथेंगे। इसका मिश्रण हमें पकौड़े से थोड़ा सा लिक्विडी बनाना है। आप चाहें तो प्याज हटा सकते हैं, आप चाहें तो इसमें लहसुन ऐड कर सकते हैं, ये सारी चॉइस आपकी है। अब मैं नाश्ते के लिए आपको 2 ऑप्शन देती हूँ कि या आप ब्रेड पे भी बनाएं या बची हुई रोटी से भी बनाएं। आप चाहें तो ब्रेड पे भी बना सकते हैं। अब पूरा जो मिश्रण है उसे एक लेयर दे दीजिए बची हुई रोटी के ऊपर, और नॉनस्टिक तवे पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे ऐसे पलट के रख दीजिए। अब ऊपर का भी जो पार्ट है ना रोटी का, उस पर आप ये चौलाई की भाजी और पकौड़े के जो मिश्रण बनाया है वो इसे इस तरीके से फैला दीजिए, जिससे रोटी बिल्कुल ना दिखे, बस यही सब्जी दिखे। जिससे रोटी बिल्कुल ना दिखे, बस बेसन और ये मिश्रण दिखे। जब नीचे से पक जाए तब आप पलट लीजिए। धीरे धीरे आप अच्छे से धीमी आंच पर उल्टा पलटा के इसे पकाते जाइए, जब तक ये अच्छा क्रिस्प ना हो जाए। इस तरीके से आप खूब सारी रोटियां बना सकते हैं सुबह नाश्ते पे। कई बार हमारी 3-4 रोटियां बच जाती हैं तो वो यूज हो जाएंगी। रोटी ना बचे तो कोई बात नहीं, आप ब्रेड पे भी इस तरीके से बना सकते हैं। सारे पिज्जा वगैरह फेल होंगे और बच्चों को बेहद पसंद आएगा। देखिए मैं सर्व कैसे कर रही हूँ। मैंने इसे हरी चटनी के साथ सर्व किया है, टमेटो केचप के साथ। अब मैं इसे पीसेस में कट कर लेती हूँ। अब हम हरी सब्जी किसी भी तरीके से खा सकते हैं। आप चौलाई यूज ना करो तो पालक भी इस तरीके से यूज कर सकते हैं। किसी भी बहाने हम यही चाहते हैं कि बच्चों को हम भरपूर सब्जियों को खिलाएं। ये मैंने पीसेस कट कर दिए हैं। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी मेयोनी डाल रही हूँ। आप चाहें तो चीज ग्रेट कर लें या फिर इस तरीके से मेयोनी को गार्निश कर लें, जिससे बच्चे अट्रैक्ट हों और बहुत ज्यादा इस नाश्ते को पसंद करें। आप चौलाई इस तरीके से बनाते थे क्या? तीनों में से कौन सी रेसिपी अच्छी लगी मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।